वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर सही डॉक्टर का चुनाव कैसे करें, और सही डॉक्टर का चुनाव करने से पहले आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव थॉट्स और ये जो नकारात्मक एक दिमाग में बात आ जाती है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एक कहावत जो मैंने हमेशा बोलता हूँ वीडियो में कि दूध का जला हमेशा छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो आज का जो टॉपिक है इसी जो बोल सकते हैं कि व्यंग है उससे रिलेटेड है। हमारे सामने एक हमारे पेशेंट आए हैं आज, उनको 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, और इशराक जी ने कम से कम जो भी इनके साथ आप बीती है वो आज ये वीडियो के माध्यम से, आज इन्होंने खुद रिक्वेस्ट करी, हमने भी इनको बोला कि आज कुछ लोग हैं जो भटक रहे हैं। बोलते हैं ना मंजिलें मिल जाती हैं भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं, मगर ये घर से निकले, इन्होंने इलाज भी करवाया, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई घटित जिससे इनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई, और ये इलाज के लिए जब जा रहे थे निराश हो गए, लास्ट में जब हमारे पास आए तो क्या हुआ, चलिए जानते हैं इशराक जी से। इशराक जी कैसे हैं आप? जी बस बढ़िया सर, आप बताएं कैसे? बस बस, अभी जो भी चीज़ें आपके साथ हुई आज आप बहुत खुश लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे आज उन लोगों को जो आज चुनाव नहीं कर पाते सही डॉक्टर का, या उन लोगों को जो आज निराशावादी हैं, जो ये लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, आप सबसे पहले जब 2-2.5 महीने पहले क्या हुआ था आपके साथ? सर 2-2.5 महीने पहले तो ये हुआ था, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी मेरी, जैसे सेक्सुअल पावर और धात की बहुत दिक्कत थी। ओके, तो मैंने क्या करा, खुद से ही अपना एक सेल्फ डिपेंड पे जाके मेडिकल से कुछ मेडिसिन ले ली अपनी ही सोच समझ से कि ये मुझे फायदा करेंगे। तो आप मेडिकल वाले ने आपको दी थी कि आपने खुद? नहीं, मैंने खुद से ही उसका चुनाव करा, कुछ मैंने यूट्यूब पे देख, यूट्यूब पे देख के, और मैं जाके मैंने मेडिकल से वो मेडिसिन लेके और यूज करी सर, लेकिन उससे मुझे ये लगा कि वो उसका मैं आदी होता जा रहा हूँ धीरे धीरे, आदी होते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छा ओके, और उसके बाद सर कुछ ऐसा था कि मतलब कुछ ज्यादा मुझे उसमें समझ में नहीं आया कि अपन को ये फायदा कर रही है कि नहीं कर रही। ओके, कभी लगता कि फायदा हो रहा है, कभी लगता कि कुछ भी नहीं हो रहा। ओके ओके, बहुत परेशान हो गया। फिर उसके बाद कुछ डॉक्टरों को दिखाया तो उनने भी सर कोई सही ट्रीटमेंट नहीं करा, एक्सपेरिमेंट ही करे मेरे ऊपर। ओके, और कुछ इंजेक्शन लगाए, कुछ बहुत सी चीज़ें करी डॉक्टरों ने, इसी प्रॉब्लम के लिए इंजेक्शन तक लगवा लिए, इंजेक्शन तक लगाए सर डॉक्टर। अच्छा अच्छा ओके, तो लेकिन वही सर ऐसा लगा कि पूरा बदन में हीट गर्मी 2-4 दिन तो लगता था। हाँ। लेकिन उसके बाद कोई मतलब, तो आपने पूछा नहीं कि इसके लिए इंजेक्शन क्यों जरूरी है, ना कोई सवाल जवाब नहीं पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि ये जरूरी है, ये लगते ही है। तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ी? प्रॉब्लम बढ़ी सर उससे। क्या क्या लक्षण आते थे आपको सर उसमें? एक तो टेंशन में ज्यादा रहने लगा था मैं। ओके, और बेफालतू में चिड़चिड़पन घर में, एंजाइटी। अच्छा, बिल्कुल सर। ओके, और जैसे जो प्रॉब्लम चली रही थी सर धात वगैरह, वो और ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ गई, गर्माहट हो रहा हुई। हाँ, और ज्यादा गर्म, फ्लो और बढ़ गया, जिससे कमजोरी भी आ रही थी। कमजोरी आई सर, जब इवन यहाँ तक कि मैं बीमार हो गया था। ओके ओके, तो कम 10 दिन सर घर पे बिल्कुल रेस्ट। ओके, मैंने सब छोड़ा, फिर मैं आपसे मिला सर। ओके ओके, जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप आए थे तो किसके थ्रू आए थे, आपको कैसे मालूम चला हमारे बारे में? किसी ने मुझे सजेस्ट करा था, कोई फ्रेंड था कि डॉक्टर जी डी मेमोरियल था, राजेश मंगनानी सर से मिलना। अच्छा अच्छा, तो मैंने फिर उनने बताया कि यूट्यूब पे भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। जस्ट डायल पे भी हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर मैंने उसको सर्च करके फिर मैं आपसे मिला, तो सर आपसे मिलने के बाद जो संतुष्टि मिली है सर उससे मैं बहुत, चलिए चलिए इंशाल्लाह बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आ गए, ठीक हो गए हैं, आगे भी भविष्य में आप ठीक रहें। मगर यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपके साथ मतलब जो बाहर आपके साथ घटित हुआ, वो तो आपने बताया, यहाँ पे सबसे पहले आए तो क्या डायरेक्ट मुझसे मिले थे कि पहले आपको डॉक्टर चौहान ने केस टेकिंग ली थी? नहीं सर, डॉक्टर चौहान ने केस टेकिंग ली, पूरी फाइल बनी थी, फाइल बनी सर, आपने पूरा डिटेल से इत्मीनान से पूरे लक्षण बताए, पूरे पूरे सर लक्षण। और मुझे ऐसा लग रहा था जो मैंने दिखाया, जो पहले इलाज करा, वो पैसा मेरा वेस्ट गया। ओके, यहाँ पे भी आपको फीस लगी थी जहाँ पहले दिखाया सर? बहुत बहुत ज्यादा फीस लगी, मतलब अननेसेसरी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लिया डॉक्टरों ने भी। अच्छा, दवाई के रूप में? हाँ, दवाई फीस नहीं ली होगी, दवाई के रूप में ले लिया, दवाई के रूप में, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फीस छोड़ देते हैं, दवाई के रूप में ले लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपने फीस भी पे करी थी 500 रुपए? बिल्कुल सर, फीस भी पे करी, और जो मुझे यहाँ का अर्जेंट मिला है सर, अमेजिंग रहा वो। वेरी गुड, अभी 3 महीने में क्या क्या फील कर रहे हैं आप, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, और जो मुझे मतलब टेंशन रहती थी, टेंस रहता था, वो सब उससे भी दूर हो गया। साइकोलॉजिकल और धात की प्रॉब्लम कैसी रही? प्रॉब्लम तो सर 99% सर, वेरी गुड, बिल्कुल सेटिस्फाइंग हूं सर। ओके ओके ओके, यानी स्टेमिना भी बढ़ा है आपका, और अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने से और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल एनर्जेटिक, और विल पावर ऐसा लग रहा है बढ़ गया सर, विल पावर बढ़ गया सर। तो देखिए बहुत सारे केसेस में जब पेशेंट चुनाव नहीं कर पाता है तो वो भटकता रहता है, जैसे कि इन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट है ना, डॉक्टर कभी भी सही या गलत
क्या बोलेंगे, देखिए जो इंसान मैंने लास्ट वीडियो में बताया मेडिकल साइंस एक ऐसी साइंस जिसने बिल्कुल सिद्ध है और चारों पद्धतियां माने हैं, मगर जब पेशेंट ये सोचता है मैं खुद चिकित्सक बन जाऊं तो वो मेडिकल पे जाता है, या फिर वो शॉर्टकट ढूंढता है 500 रुपये बच जाए और वो जाके किसी नीम हकीम को दिखा लेता है, वो इंजेक्शन लगाए चाहे कुछ भी करे चाहे आपको अफीम दे, वो तो रिजल्ट तो आपके सामने है साइड इफेक्ट उसके। और यहाँ पर जब पेशेंट आया उसने अपना मन खोल के दिल खोल के अपने लक्षण बताए और आज इशराक जी खुद बोल रहे हैं कि हाँ अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे मैं उम्मीद करता हूँ अब आप भटकेंगे नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मैं बहुत सर, क्या व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे सर? यही कहना चाहूँगा कि ये जो बाहर लोग होते हैं जो डॉक्टरों के रूप में बैठे रहते हैं जो आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं, वो सिर्फ आपको लूटेंगे और गलत आपका इस्तेमाल करेंगे। और यही कहना चाहता हूँ बाकी सर का जो एक्सपेरिमेंट है जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है और जो उनकी मेडिसिन वगैरह हैं और जो भी ट्रीटमेंट वो बताते हैं पूरा चेकअप करते हैं उसके हिसाब से जो चलेगा वो कभी निराश नहीं होगा। आपको डाइट चार्ट मिला था हमारी तरफ? बिल्कुल सर, डाइट चार्ट हमने व्हाट्सएप किया था जब आप सर मिलके गए, मैंने बोला भी था डॉक्टर चौहान को कि डाइट चार्ट आपको भेजे, मिला था? बिल्कुल मिला था सर। हमारी कोशिश रहती है कि जितनी सुविधा दे सकें, आपको कीगल एक्सरसाइज वगैरह बताई थी? बिल्कुल सर सब, आपको बाहर चेयर है उस पर एक्सरसाइज वगैरह बताई थी? सब बताई थी सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी लोग आज ये सोचते हैं कि सबसे पहले तो निराशावादी ऑप्टिमिस्टिक होना है हमें, और बोलते हैं गलतियाँ होती है, लोग फेल भी होते हैं, लोग निराश भी होते हैं, लोग गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, मगर ठीक है हर चीज़ हर बीमारी का इलाज है। आप अपने अंदर एक ये इच्छा शक्ति पैदा करें कि हाँ हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ हो सकती है, हाँ मगर भटके ना। इसी के लिए आज एक टेस्टिमोनियल वीडियो जो जस्ट डायल, बहुत सारे गूगल है, प्रैक्टो है, वहाँ भी हमारे कुछ वीडियोस लोगों ने देखे और लोगों को मालूम है कि 100% अगर आपको ठीक होना है तो एक सही चिकित्सक का चुनाव आपको करना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे सभी व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं इशराक जी आपकी वजह से जो लोग भटक सकते थे आने वाले समय में, जिन लोगों को गलत हो जाता जिनके साथ, आज वो नहीं भटकेंगे और अपना एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कहीं भी आपके नज़दीकी जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर और सेक्सुअलॉजिस्ट उसको दिखाएं, या एक ऐसा डॉक्टर जो आपकी बात सुने समझे और आपको 100% रिजल्ट दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा हेल्पलाइन नंबर 9893880001, वेबसाइट है हमारी www.bestsexualogistdoctor.com। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आज हम एक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाएं कि हर एक बीमारी बिल्कुल 100% संभव है और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। 100% हम लोग प्राइवेसी रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर डाटा पेशेंट का, जैसे आपने भी रिक्वेस्ट करी इसीलिए आज ये, और हम लोग भी हिडन रखते हैं, पेशेंट का फेस हमें कभी शो नहीं करते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी लोग भटक रहे हैं उनके लिए हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।